वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। आजकल सभी इंटरनेट का यूज़ करते हैं और आप सभी ने क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन का नेम तो जरूर सुना ही होगा, जिसका डिस्कशन हर तरह के प्लेटफॉर्म पर होता ही रहता है। गूगल से लेकर एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन ट्रेंडिंग में ही होता है। यही है आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन और ये कैसे अलग है हमारी नॉर्मल करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, क्रिप्टो करेंसी को माइन कैसे किया जाता है, इंडिया में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना लीगल है या नहीं, इन सभी टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो का सबसे सिंपल मीनिंग है दोस्तों, डिजिटल मनी, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये करेंसी का एक डिजिटल फॉर्म है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का यूज भी दोस्तों हमारी नॉर्मल करेंसी की तरह गुड्स और सर्विसेज को बाय करने में किया जाता है। क्रिप्टो को हम स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर, फोन या किसी भी तरह के डिजिटल वॉलेट में और हम किसी थर्ड पर्सन को भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस क्या है नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में। नॉर्मल करेंसी को दोस्तों किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। लाइक हमारे इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसी के पास अथॉरिटी होती है हमारी करेंसी को इशू करने की। इसके अलावा गवर्नमेंट ही करेंसी की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो करेंसी की सप्लाई बढ़ा सकती है, बट इसमें भी दिक्कत है कंट्री में इन्फ्लेशन के बढ़ने की, इसलिए गवर्नमेंट को एक कैलकुलेटेड नंबर में ही करेंसी को छापना होता है। ज्यादा नोट छापने से हमारी करेंसी की मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है। ये अपने आप में एक बहुत अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ नॉर्मल करेंसी में बैंक एक इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं। आप अपना पैसा सेव भी बैंक में करते हो, किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो बैंक आपकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं। आपको किसी को भी फंड ट्रांसफर करने में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कहीं भी आपको बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर करने पड़ते हैं। पहले आप बैंक को ट्रांसफर करते हो, वो दूसरी पार्टी को आपकी मनी ट्रांसफर करता है, जिसके लिए वो आपसे फीस चार्जेस करता है अपनी सर्विसेज की। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल भी इशू कर सकता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसमें ना ही कोई इंटरमीडियरीज होता है। हम डायरेक्टली सेकेंड पार्टी को क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू दी एक्सचेंजेस। ये डिफरेंस होता है दोस्तों एक नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में। अब बात करते हैं व्हाट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन भी दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है जिसे जैन 2009 में बनाया गया था और बिटकॉइन ही फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बनाई गई थी और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी भी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बिटकॉइन और अदर क्रिप्टोज वर्क करती है दोस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। ब्लॉकचेन के नाम से ही आप समझ सकते हो, चेन ऑफ ब्लॉक्स। बिटकॉइन माइनर्स होते हैं वो बहुत ही एडवांस कंप्यूटर का यूज करते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड पजल को सोल्व करने में, जिसके लिए उन्हें बिटकॉइन का कुछ पार्ट दिया जाता है। एक सक्सेसफुल ब्लॉक ऐड किया जाता है हर ब्लॉकचेन में। अब उस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन की, लाइक उसकी डेट एंड टाइम, टोटल वैल्यू, बायर एंड सेलर और यूनिक आइडेंटिफाई कोड फॉर ईच एक्सचेंज। एक बार जब ब्लॉक बनकर रेडी हो जाता है तब यह सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। जो कोई भी इसे देखना चाहता है देख सकता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको मोस्टली सभी बिटकॉइन होल्डर वेरीफाई करते हैं और एक यूनिक कोड का यूज़ किया जाता है, जिसके बाद हर ट्रांजैक्शन को कंफर्म किया जाता है एक इनक्रिप्टेड पैटर्न से। बिटकॉइन को एक लिमिटेड नंबर तक ही माइन किया जा सकता है, जो है 21 मिलियन। इससे ज़्यादा बिटकॉइन प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। अक्टूबर 2021 तक 19 मिलियन के अराउंड बिटकॉइन मार्केट में माइन किए जा चुके हैं। 2 मिलियन के अराउंड बिटकॉइन बचे हैं बस माइन करने के लिए। जैसे जैसे माइनर्स पजल को सोल्व करते हैं माइनिंग करते हुए, पजल का डिफ़िकल्टी लेवल उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिससे बिटकॉइन माइन करने में और ज़्यादा टाइम लगता है और लिमिटेड सप्लाई होने के कारण बिटकॉइन की वैल्यू मार्केट में कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो मार्केट में हैं जिन्हें ओल्ड कॉइन कहा जाता है, लाइक इथेरियम, XRP, कार्डानो, डोजकॉइन, शिपकॉइन एंड ऐसी कई तरह की क्रिप्टोज है। अराउंड 10,000 के अराउंड क्रिप्टोज मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की। फर्स्ट है सेल्फ गवर्न एंड मैनेज।
गवर्नेंस एंड मेंटेनेंस किसी करेंसी के लिए एक मेजर फैक्टर होता है। क्रिप्टो करेंसी को हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है एंड क्रिप्टो में जो ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों उसको स्टोर करते हैं हमारे डेवलपर्स और माइनर्स अपने खुद के हार्डवेयर पर और इसका रिवॉर्ड उन्हें मिलता है ट्रांजैक्शन फीस से। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता क्रिप्टो को मैनेज करने में। सेकेंड है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सबसे बड़ा जो कंसर्न है क्रिप्टो का ऑलवेज यही रहता है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी है, और क्रिप्टो बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट एसेट है क्योंकि जो ब्लॉकचेन लेजर है वो बेस्ड है डिफरेंट मैथमेटिकल पजल्स पर जिसे डीकोड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसके कारण क्रिप्टो किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा सिक्योर है। थर्ड है इजी करेंसी एक्सचेंज। हम बहुत ईजिली करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। सभी कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, लाइक इंडिया की है INR, USA की US डॉलर, UK की पाउंड। और क्रिप्टो के एडवांटेजेस ये है कि हम किसी भी करेंसी से क्रिप्टो बाय कर सकते हैं और अपनी करेंसी को डिफरेंट करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस देकर, और यही प्रोसेस हम बैंक के थ्रू करें तो वो हमसे करेंसी कन्वर्ट की हैवी फीस लेते हैं कंपेयर टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। फोर्थ है डिसेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है डिसेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करते हैं क्रिप्टो के डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिप्टोज को बनाती है और आफ्टर डेवलपिंग मार्केट में रिलीज करती है। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं करती, डिसेंट्रलाइज हेल्प करता है करेंसी को मोनोपोली फ्री करने में सो दैट कोई भी कॉइन के फ्लो और वैल्यू को मैनिपुलेट ना कर पाए, जिससे कॉइन स्टेबल और सिक्योर हो जाता है कंपेयर टू फिएट करेंसी जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फिफ्थ एंड लास्ट है कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्टेस्ट वे टू ट्रांसफर फंड्स। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है क्रिप्टो की, इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो लाइटनिंग फास्ट होती है वेदर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसी, और मोस्टली पीपल इन वर्ल्ड मनी सेंड करने के लिए क्रिप्टो को यूज करते हैं इंटरनेशनली। ये थी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट है इलीगल ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन बहुत ही प्राइवेट और सिक्योर होती है, जिसके कारण गवर्नमेंट को किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए क्रिप्टो को इलीगल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, लाइक ड्रग्स बाइंग, डार्क वेब एक्टिविटीज एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज में। सेकेंड है डाटा लॉस। क्रिप्टो के जो डेवलपर होते हैं दोस्तों उनका मेन मोटिव यही होता है क्रिप्टो करेंसी को हैक ना किया जा सके, ट्रांजैक्शन अनट्रेसेबल हो, कोई भी उनके प्रोटोकॉल को ब्रीच ना कर सके, जिसके कारण क्रिप्टो फिजिकल और बैंक अकाउंट से ज्यादा सिक्योर हो जाती है। बट अगर आपने अपनी वॉलेट की प्राइवेट की को लूज कर दिया है तो आप कभी भी उस वॉलेट को ओपन नहीं कर पाओगे, जिससे आपकी क्रिप्टो करेंसी का कोई यूज नहीं रह जाएगा, आपका डाटा लॉस आपका फाइनेंशियल लॉस भी बन जाता है क्रिप्टो में। थर्ड है डिसेंट्रलाइज्ड बट स्टिल लैकिंग। क्रिप्टो का जो मेन फीचर है दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड, इसका पर्पस है क्रिप्टो को कंट्रोल और मैनिपुलेट ना कर सके, बट रियलिटी इससे अलग है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट को अभी बहुत से इन्फ्लुएंसर क्रिएटर और बिग ऑर्गेनाइजेशन मैनिपुलेट कर रहे हैं कॉइंस के प्राइस को अप एंड डाउन मूव करके अपने बेनिफिट के लिए। फोर्थ है नो रिफंड और कैंसिलेशन पॉलिसी। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपसे बाय मिस्टेक हो गई है रॉन्ग वॉलेट एड्रेस पर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिफंड और कैंसिलेशन का। बहुत सारी वेबसाइट है जो क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, बट आफ्टर पेमेंट आपको कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिसीव नहीं होती है। फिफ्थ है क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट इको फ्रेंडली। क्रिप्टो माइनिंग में बहुत हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर का यूज़ होता है मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करने में, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावर और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज होती है क्रिप्टो माइनिंग में, और सबसे ज़्यादा एंड चाइना में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग होती थी, और चाइना में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोयल का यूज़ होता है उससे कार्बन एमिशन में बहुत राइज देखा गया है, बट रिसेंटली चाइना ने बिटकॉइन माइनिंग को बैन कर दिया था। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, एंड लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।